एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पीछे देख लो, ये बच्चा इतनी इस तेज चलाती है ना, ये इस हॉर्स को एक बार ये गिर भी चुकी है। वो तो अच्छा है, बिल्कुल जस्ट आगे दीपू बैठे थे, उन्होंने पकड़ लिया, वरना इसके दांत जो निकले ना वो सारे टूट जाते। और देखो, इसको कोई डर नहीं है, बिल्कुल भी डर दिख रहा है इस बच्चे के चेहरे पे आपको। हाय करो सबको। तो गाइस, आज का व्लॉग मैंने नाइट में स्टार्ट इसलिए करा है बिकॉज मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे सुबह से व्लॉग करना चाहिए था। तो कल सुबह मम्मी चली गई थी मामा जी के घर पे, तो मैं थोड़ा सा बिजी थी कल चीज़ों में, तो मैंने जो ज़रूर मम्मी नहीं है तो हम लोग घर पे कैसे करते हैं, क्या करते हैं खाना वाना, क्योंकि सब खुद ही करना पड़ता है, तो हमारा दिन कैसे जाता है पूरा, मैं सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और मैं आज इसलिए स्टार्ट करूँ बिकॉज कल तो तमन्ना भी नहीं होगी। आप लोगों को पता है तमन्ना होती है तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बट कल तमन्ना छुट्टी ले रही है क्योंकि उसको एकदम से दांत में दर्द हो गया, तो उसको डॉक्टर के पास जाना दिखा रहे, तो इसलिए वो कल वो छुट्टी ले रही है। मेरे को थोड़ा हो भी गया था, तमन्ना यार तू क्यों छुट्टी ले रही है, तेरे को पता है मम्मी भी नहीं है, बट वो कहती है दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला है मेरे ऊपर। और ये देख लो मुझे कैसे घूर घूर के देख रही, कहती मैं तो बिल्कुल परेशान ही नहीं कर। अच्छा किसी कर दे, फिर किसी कर दे, ये कैसी किच्ची है। देखो मुझे कैसे धक्का दे रही है, देखो देखो, देखो। तो मायरा के तो आजकल मूड स्विंग्स होते ही रहते हैं पता नहीं क्यों। और अभी ना मेरे असली देख लो मेरे रूम का रात के टाइम पे क्या हाल होता है। दीपू का पजामा, दीपू आपको सुबह जिम पहन के जाना है, यहाँ पे निकाल के रख देते हैं ताकि अलमारी आवाज़ ना करे खोलते वक्त और मेरी नींद ना ख़राब हो, इसलिए मेरे पति मेरी नींद का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, वरना सुबह सुबह जूते पह जाओगे। भूकंप भी आ जाएगा ना, तब भी तो नहीं उठेगा। कल तो हमने ऐसे ही कुछ भी बना के खा लिया था, बट आज मैंने बनाए थे राजमा, बहुत ही टेस्टी बने थे यार। सुबह तो इससे ही हो जाएगा, पराठे बना लेंगे हम और इसके साथ खा लेंगे। राइस मैंने अभी हमें जाना है मन्नी को लेने, 11 बजने वाले हैं, उसके बाद हम मन्नी को लेने जाएंगे। वो एक्चुअली जिम का कुछ था, पार्टी वगैरह थी सारे मेंबर्स की, तो वो वहीं पर ही है, लोगों के साथ शेयर करना है। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी प्लीज़ वाओ के प्रोडक्ट का प्लीज़ हमारे साथ नाइट टाइम स्किन केयर शेयर करो, तो मैंने फटाफट से ऑर्डर कर लिया और मेरे पास ये रिसीव हो गए। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ लेट नहीं करती बिकॉज बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आती थी, इंस्टा पे भी आ रही थी, तो मैं आज आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। पहले हम मन्नी को लेकर आ जाए, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ओके, तो गाइज मैंने ऊपर ये हुडी डाल ली और दीपू और मायरा नीचे चले गए, मैं भी जा रही हूँ, हम मन्नी को लेने जा रही हूँ, उसके बाद आकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना स्किन केयर। मास्क ले लिया मैंने अपना, दीपू बोल के गए थे कि मास्क ले लियो वरना मैं भूल जाती पक्का। चलो जस्मीत टोनी सब सो गए हैं, मतलब सोए नहीं है अपने अपने रूम में, सोएगा कौन अभी, 11 बज रहे हैं बस। देखो दोनों मेरा वेट कर रहे हैं, गाड़ी पे घुस जम गई है गाइस, ये देखो गाइज हम घर आ गए और मैं मायरा को खिलाने लगी हूँ खाना, ओट्स बनाए मैंने उसके लिए मसाले वाले, और मैं जस्ट उसको खिला रही हूँ। मैंने रास्ते में आते वक्त का कुछ नहीं बनाया, मायरा ने इतना इरिटेट करा ना रास्ते में, इतनी चिड़चिड़ करी, पता नहीं इसको भूख लग रही थी क्या है, बट वो इतनी ज़िद्दी हो गई है कि मैं क्या बताऊँ। अब देखो ये रही, और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, जिसके लिए मैं आज सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वाओ के विटामिन सी रेंज। तो गाइस सबसे पहले मैं ये अप्लाई कर रही हूँ विटामिन सी का फोमिंग फेस वॉश, ये आपके फेस को क्लीन करने में और आपके फेस की डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन और ग्लोई बनाता है, और साथ ही साथ आपके फेस की डलनेस को हटाने में भी हेल्प करता है। और सबसे अच्छी बात गाइस इसकी ये है कि इसमें 97.6% जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल ही नेचुरल हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टोनर, ये आपके फेस को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, आपके फेस को नरिश रखता है और इम्प्रूव करता है आपके स्किन के टेक्सचर को, और अगर आपके पूरे दिन की टायर्डनेस है और डलनेस है उसको भी ये रिमूव करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है और आपके पोर्स को टाइटन और स्किन को ब्राइटन करता है।
गाइज नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सीरम। ये सीरम आपके डल कॉम्प्लेक्शन को बेटर करता है, स्किन में एक शाइन प्रोवाइड करता है और इसमें विटामिन सी, हेजल और हाइलोरोनिक एसिड है जो कि हेल्प करते हैं आपके पिगमेंटेशन को कम करने में। और ये सीरम आपकी डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। एक टाइम बाद हमारी स्किन में एक इलास्टिसिटी आ जाती है, उसको भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है। और इसमें गाइज 98.5% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वो है विटामिन सी का नाइट जेल। ये आपके स्किन के स्पॉट्स को लाइटन और कॉम्प्लेक्शन को इवन आउट करने में हेल्प करता है। और इस जेल में है काकाड़ू, प्लम एंड विटामिन सी जो स्किन को रेजुविनेट करता है। और गाइज इस जेल में है 97.5% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। गाइज वाओ स्किन साइंस एक इंडियन ब्रांड है और ये प्रोडक्ट बिल्कुल हार्श और केमिकल फ्री हैं। ये पूरी तरह से सल्फेट, सिलिकन और पैराबिन फ्री हैं और ना ही इसमें कोई एडिड कलर है। सो अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या गाइज अब मैं जा रही हूँ सोने, बाय बाय, सुबह मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मैं दीपू से पूछती हूँ क्या खाएंगे। मायरा ने दूध पी लिया है, मुझे तो चाय चाहिए होती है सुबह। मैं भी दीपू से छोटे भटूरे भी आ गए हैं। अपने आप खा रही है मायरा, इसको अपने आप खाना पसंद है। पहले ये वाले चावल खा रही थी, अब ये वाले चावल खा रही है। इतने चावल पसंद है ना इसको, मेरे तरह बिल्कुल। हाँ भाई राइस खा रहे हो? मेरा क्या खा रहे हो बोल दो राइस। दीपू और मायरा सो गए थे, मैं वीडियो एडिट करती रही और अभी टिड्डी उठी है और अब टिड्डी की मैं बनाऊंगी पोनी। उसके बाद टिड्डी कुछ खाएगी, चीज चीज वाली ब्रेड बना दूंगी इसके लिए, खा लेते अच्छे से। और डिनर में क्या दीपू का मन कर रहा है? पिज्जा खाने का। घर का पिज्जा बनाएंगे? अभी तो कुछ नहीं कर रहा यार। तो फिर एंड टाइम पे आप बोलोगे तो दीपू एंड टाइम पे कैसे प्रिपरेशन होगी? मेरा भी कुछ मन नहीं कर रहा। बाहर से कुछ खाना है? मैं कहता हूँ कुछ मन नहीं कर रहा। तो अब मैं जा रही हूँ मायरा के लिए चीज सैंडविच बनाने। प्लेन बनाऊंगी, चीज स्लाइस लगाऊंगी ब्रेड में, कैसे दिखा देती हूँ आपको। पानी भी पी लो मायरा, ये लो। थैंक यू। को मायरा के साथ चार चीजें बना के चलनी पड़ती है। सुबह पराठा बनाया था, वो थोड़ा सा खाया, उसके बाद सिर्फ राइस खाए। अब देखती हूँ ये चीज वाला इसके लिए सैंडविच बनाती हूँ। ये पूरा अच्छे से खा लेती है। पहले एक अंडे थे वो सही थे, उसके साथ बहुत सही था कि मायरा दो अंडे अच्छे से बॉयल करके दे दो, खा लेती थी। बट अभी जब से फ्लू व्लू का चल रहा है, चिकन और एग्स बंद हो गए हैं, तो फिर वैसे स्टार्ट हो गए बट मैं अभी मायरा को नहीं दे रही हूँ। तो मैं इसको प्री हीट करूँगी, उसके बाद ब्रेड सेकूँगी बटर लगाकर और बीच में स्लाइस रखूँगी और कुछ नहीं लगाऊंगी इसको। ही मायरा अच्छे से पूरा फिनिश कर देती है। ये ना मायरा की फेवरेट जगह है, ये पीछे ये यहाँ सारी डिब्बियाँ जो पड़ी हैं। एक दिन मिर्ची निकाल ली पूरी खाने के लिए। ये लो आ जाओ, जल्दी आओ सैंडविच, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। मैंने देखो इसके अंदर चीज भी है, ये देखो। यम्मी यम्मी, जल्दी आओ, आ जाओ, आ जाओ। मायरा ये क्या है? मूंगफली। मायरा क्या खा रही है? दीपू क्या खाना है फिर से पूछ रही हूँ। क्या खाना है? क्या खाना है? यार अभी तो कुछ नहीं खाना। कब खाना है फिर? 9 बजे ना, देख लो टाइम। यार दोपहर को है भी कितना हो गया। छोले भटूरे खा लिए, राजमा चावल खा लिए, दही भल्ले खा। मैं तो 11 बजे, मेरा तो 12 बजे तक डोमिनोज ऑर्डर होता है। आप वो भी नहीं खाते हो। गाइस मैं ना अभी एक कॉल पर थी किसी के साथ और जैसे ही मैंने कॉल कट करा मैं किचन में गई तो देखो दीपू क्या कर रहे हैं। दिखाती हूँ आपको।
ये देखो जैसे ही मैं किचन में आई, ना मुझसे सलाह ना मुझसे मशवरा, देख रही हूँ तो यहाँ तड़के लग रहे हैं। और मैंने पूछा क्या बना रहे हो तो वही बंदे का जवाब सुन लो, आलू की सब्जी बना के देख रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसे एकदम से अचानक बिना मुझे बताए आपने ना पूछा। मुंह में टेस्ट आ गया यार। कैसे देख, आपने फोन में देखी है ना कहीं? फोन चेक कर रहे थे, फिर एकदम से कैसे मन करा आपका? अच्छी टेस्ट आ गया। आपने मुझे बताया भी नहीं, मैं बना देती हूँ। मैं बनाऊँ? नहीं, तो आलू और न्यूट्री बना रहे हैं। देखो बेहतरीन है या नहीं वो तो मैं खा कर बताऊंगी। चलो बनाओ। कह रहे आज मैं ऑडियंस को आटा गूंथ के भी दिखाऊंगा। रोटी आप बनाओगे? नहीं। एक तो बनाना प्लीज। पकड़ लिया। Okay, एक अपना सर पकड़ के बैठी हुई है। क्या हुआ मेरा बॉम्बे जेड? यार देखो मसाला तो एकदम जबरदस्त वाला बना है। ये बना लेते हो? फोन ना गिर जाए अंदर। आधी हेल्प तो मैं कर रही हूँ आपके साथ आटा गूंदने में। तूने क्या हेल्प कर दी? क्यों, पानी के बिना आटा कैसे गूंदेगा? पानी डालने से आधा हेल्प हो जाता है। आधी हेल्प, बिना पानी के आटा ही नहीं हो सकता। पानी मैं ही कर रही हूँ। तो सारी यहाँ हो रही है ना, वो तो 2 मिनट का काम होता है, वो तो मिक्सी भी कर देती है, पर पानी तो मेन जरूरी होता है। ये देखो दीपू ने कितना, ऐसी रोटी बनेगी ना कि फूल के ऐसी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी फूल कर? इतनी बड़ी रोटी भी दीपू बनाएंगे कह रहे हैं। अबे ओ बनाऊंगा, बनाता हूँ रोटी। दीपू कह रहे हैं आज का सारा खाने का श्रेय मेरे को जाएगा। क्यों कर रहा हूँ? कर रहे हो? क्योंकि मैं आज जिम नहीं गया। अरे हाँ यार, तो पैरों की तो एक्सरसाइज हो नहीं पा रही। तो ऊपर जो आधा पौना घंटा ऊपर, हाँ दीपू छत पे गए थे। बस अब इसको 5 मिनट ना ऐसे पानी हल्का सा लगा के छोड़ दो, ढक दो, फूल जाएगा बस। बाकी मैं कर लूंगी फाइनल टच। इसमें से 3-4 आलू निकाल लूंगी मैं, उसमें थोड़ा सा नमक है जॉइंट डाल के मायरा का आलू का पराठा बना दूंगी छोटा सा। हाँ सारा डाल दो और अब बस इसको चला दो। शानदार, क्या सब्जी बन गई है देखो। बस अब इसको ढक दो, गैस बंद कर दो और हम बनाएंगे रोटी। एक आलू वाली बना दी जो सब्जी बनाई थी उसके आलू निकाल के उसमें थोड़ा नमक अजवाइन डाल के एक वो बना दी, और एक नमक अजवाइन के प्लेन बना दी। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा आलू वाली परौंठी नहीं खाती है तो नमक अजवाइन के खा लेती है, तो मैंने 2 ऑप्शन रखे हैं। अब बस हम खाएंगे खाना, मैं खाने जा रही हूँ। और दीपू की सब्जी की बहुत तारीफ हुई है, मम्मी ने खा लिया खाना, गिग गए, कोई नहीं, मनी ने खा लिया, जसमीत ने खा लिया। सब कह रहे थोड़ी स्पाइसी है लेकिन टेस्टी है, बिल्कुल मटन जैसी लग रही है। बाकी मैं खा के बताऊंगी अभी। कुछ देखो कैसे बना। दीपू मैंने कल राजमा कैसे बनाए थे? अच्छे थे। तो गाइस ये रही दीपू की बनाई हुई सब्जी। से दीपू खाना बहुत अच्छा बनाते हैं नो डाउट। तो अब मैं इसको खाने जा रही हूँ। दीपू नहीं खा रहे हैं अभी क्योंकि दीपू कह रहे हैं मुझे अभी भी हैवी हैवी लग रहा है। टेस्ट करूंगी। मारे ने भी ब्रेड खा ली थी चीज वाली, तो थोड़ी देर बाद ही दूंगी, वो नहीं खाएगी। कैसी बनी है? दीपू इतना स्पाइसी पर यार अच्छी लग रही है। इसमें अगर चावल डाल दो ना तो मटन वाले राइस लगेंगे। बहुत स्पाइसी है, तड़ाक। जैसे आपको पसंद है ना, मतलब आपने वैसे ही बनाया। आपको बहुत स्पाइसी खाना पसंद है ना। तो ये मैं खिला रही हूँ मायरा को रोटी में। देखो ये देखो ये देखो, ये जब ज्यादा घी लगा देती हूँ ना तो ऐसे लेयर बन जाती है रोटी की। खुद खा रही है वो। खुद अपने हाथ से खाने में ज्यादा मजा आता है। और मायरा के कपड़े इतने गंदे हो रहे हैं तो दीपू ने कहा एक बार पहले एक खाना खा ले फिर ही चेंज करना, वरना ये फिर गंदे कर लेगी। और ये प्लेन वाली ही रोटी खा रही है, नीचे आलू वाली भी है वो नहीं खा रही है। पूरे टाइम इसके ना हाथ से ये, इसके हाथ से ये ब्रश नहीं छूटेगा बिल्कुल भी। जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, पूरे नाक माक सब पे पेन चलाया हुआ है कपड़ों पे।
दीपू अभी भी रोटी नहीं खा रहे हैं, क्या पी रहे हो? गर्म पानी? ग्रीन टी है। रोटी क्यों नहीं खा रहे? मन नहीं कर रहा है, बहुत वो कल ही खाओगे फिर अपनी सब्जी? मैंने तो रोटी भी बना दी थी आपकी इतनी सारी। तो मायरा ने रोटी खा ली और अब मैं अपना व्लॉग एंड करने जा रही हूँ। सो दीपू कुछ बोलना चाहते हैं? ओके बाय, गुड नाइट। बोलो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। रोटी खा ली और ये निकल गया मायरा का नाइट सूट। अब मैं मायरा को डाइपर चेंज करूँगी, नाइट सूट चेंज करूँगी और अब हम लेट जाएंगे और मूवी देखेंगे। तो आप लोगों को पता है ना क्या करना है? यस, वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है अगर नहीं करा है अभी तक। तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप लोग। रेसिपी कौन सी बनानी है वो भी पूछना, मैं वो भी बनाऊंगा। आप बनाओगे? चलो भाई ठीक है, बता देना दीपू नेक्स्ट क्या बना के दिखाएं। एक कड़ी मत बताना क्योंकि दीपू को बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद कड़ी, बट मुझे पसंद है। और दूसरी चीज, दीपू को क्या नहीं पसंद? कड़ी। और क्या सुनते ही कहते हो आप? आए हाय, आलू शिमला मिर्च। आलू शिमला मिर्च होगी, बंद गोभी होगी। बंद गोभी। और मुझे आलू शिमला मिर्च पसंद है, बंद गोभी नहीं पसंद, आलू शिमला मिर्च और कड़ी पसंद है। सो अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो भाई क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। मैं इंस्टा पे बहुत सारी स्टोरीज डालती हूँ, रील्स डालती हूँ, पोस्ट डालती हूँ, तो इंस्टा पे फॉलो कर लो मुझे जल्दी से। मैं कभी कभी वहाँ पे लाइव भी आती हूँ। सो मतलब यूट्यूब से ज्यादा मैं लाइव इंस्टा पे आती हूँ, तो इंस्टा पे फॉलो करो मुझे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यहाँ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर। सायोनारा दीपू बोल दो। सायोनारा मायरा बोल दो। गुड नाइट मायरा बोल दो। गुड नाइट। अरे आवाज तो निकाल।